देर संध्या प्रातर वार्ड 79 के शरीफ गरीबी तृणमूल द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन तृणमूल जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी ने पूजा काट कर किया। मौके पर वार्ड 79 के तृणमूल प्रत्याशी सुमिता घोष, तृणमूल नेता पुनी लोहिया, बंटी माधवड़िया, फिरोज अंसारी, सजल घोष आदि उपस्थित थे। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अन्य दलों से 3 कार्यकर्ता पवन सिंह, नितेश सिंह और भोला खान तृणमूल में शामिल हुए। मौके पर पवन सिंह ने कहा कि 2005 से हम टीएमसी कर रहे थे, बामफ्रंट के समय से हमने टीएमसी को खून से सींचा था, मगर कुछ ऐसे लोग आकर टीएमसी में धब्बा लगा दिए हैं और उसकी गंदी राजनीति से फंसकर हमें मजबूरन भाजपा में आना पड़ा। पवन सिंह, आप बीजेपी कद्दावर नेता हुआ करते थे और अचानक से बीजेपी छोड़कर आ गए, शामिल हो गए, इसका कारण क्या है? देखिए 2005 से हम लोग टीएमसी ही करते थे, अपने खून से टीएमसी को सींचा हमने बामफ्रंट के राज में, लेकिन उस दौरान में जितेन तिवारी जैसे आकर के टीएमसी पे धब्बा लगा दिया, जिसकी वजह से गंदगी में रहना संभव नहीं है, समझे ना। इसीलिए उस टाइम पे खूब विरोध करने के बावजूद जब तिवारी ने अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना दिया लोगों को, तो उस दौरान मजबूरी होकर के हम लोग बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ज्वाइनिंग की है। तिवारी के पास में कोलकाता से तो पैसा आता था विकास के लिए, लेकिन तिवारी ने जनता का विकास ना करके अपने खुद का विकास किया है। जाकर कोलकाता में देखो, करोड़ों का घर, करोड़ की गाड़ी और संपत्ति उसके जाते हो, कहां बाप घर से लेकर आया वो। वहीं मिथिलेश सिंह ने कहा कि जब तक भाजपा थी मैं था, अभी भाजपा नहीं है, क्योंकि तृणमूल में जितनी भी कचड़े थे सब भाजपा में आ गए, अभी तृणमूल बिल्कुल साफ सुथरा है और यहाँ उज्ज्वलता का हमेशा साथ रहा है। पर मैं थे भाजपा थी तो भाजपा में थे, आज भाजपा है ही नहीं। आप पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी देख लीजिए, हमारे कुलटी का ही बात कर लीजिए, भाजपा कहीं दिख रहा क्या? यहाँ से लेकर के आसनसोल तक कहीं भाजपा है ही नहीं। भाजपा में जो तृणमूल से जो कचड़े थे, जो जिसके चलते तृणमूल बदनाम थी, जितेंद्र तिवारी, अभिजीत आचार्य, हमारी झगड़ा, हमारी लड़ाई कभी भी उज्ज्वल चटर्जी, हम लोग एमएलए थे कभी, आज तक कोई 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 बता नहीं सकता कि उज्ज्वल दा ने किसी को पर्सनली परेशान किया। जब से ये लोग तृणमूल में आए तब से ये जितना नाटक, जितना झमेला, जितना दमन, जितना अत्याचार करना था इन लोगों के ने किया, और इन्हीं लोगों के वजह से आज तृणमूल बदनाम हुई। और आज क्या हुआ, आज तो तृणमूल साफ हो गई। क्या हुआ कि तृणमूल का कचड़ा आ गया बीजेपी में, तो बीजेपी तो रही नहीं, बीजेपी तो खत्म हो गई, और ये बाप बेटा की राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे।